हाय ओप्पो, माय नेम इज प्रकाश एंड आई एम फ्रॉम पुणे। सो मैं सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे ओप्पो के अपकमिंग प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए। सो यस, हम लोग आज बात करने वाले हैं ओप्पो के अपकमिंग प्रोडक्ट F17 Pro के बारे में। सो ज़्यादा देर ना लेते हुए हम देखेंगे उस फोन के बारे में। सो ये सबसे पहले तो ऐसा कुछ इस तरह से इसका बॉक्स रहेगा। सो मैं इस बॉक्स को अनबॉक्स करने वाला हूँ अभी। फोन दिखने के लिए तो बहुत ऑसम है ये। कुछ इस तरह से इसके ऊपर हमको दिखाई देगा कुछ फोन के कुछ हाइलाइटेड जो पॉइंट्स है ये फोन के ऊपर ही दिए हुए हैं। फोन को थोड़ी देर रखते हैं साइड में बिकॉज हमको फोन के बारे में जानने के लिए बहुत टाइम है। हम फोन के बारे में वन बाय वन चीजें हर चीज जानेंगे। सो सबसे पहले तो देखेंगे फोन के अंदर हमको एक्सेसरीज क्या क्या मिलती है। सो सबसे पहले तो ये है, हमको एक सिलिकॉन कवर मिलता है जिसकी वजह से हम अपने फोन को बहुत ज्यादा प्रूफ रख सकते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योर रख सकते हैं कुछ इस तरह से। साथ ही साथ में इसके अंदर हमको मिलता है यूजर मैनुअल मिलता है जिसके अंदर हम फोन के अंदर की डिटेलिंग या फिर अंदर के पार्ट्स के बारे में जान सकते हैं। अगेन हमको एक म्यूजिक के लिए एक अच्छा सा हेडफोन मिलता है अंदर। ये सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी हमको इसके साथ में मिलता है बुक 4.0 जो कि हमारे फोन को बहुत सेफली और बहुत जल्दी चार्ज करेगा। साथ ही साथ में हमको मिलता है USB-C टाइप का केबल जो कि हमारे फोन को ज़्यादा फास्ट चार्ज करेगा। सो ये कुछ इस तरह से इसका अंदर का पार्ट है या फिर ये सारी चीज़ें हमको इस फोन के साथ में मिलेगी। सो अब हम देखेंगे फोन के अपीरियंस के बारे में। सो अगर मैं अपीरियंस की बात करूँगा तो सबसे बेस्ट इसका जो पार्ट है ये है 6.43 इंच का सुपर एमोलेड का डिस्प्ले। साथ ही साथ में इसके अंदर हमको मिलता है 16 मेगापिक्सल का डुअल पंचोल स्क्रीन। मैं बात करूंगा इसके बैक साइड की तो बैक साइड में हमको फिंगर प्रिंट रेजिस्टेंट सा मटेरियल मिलता है या बैक साइड मिलता है इसका, जो कि आमतौर पर नॉर्मल फोन्स की बात करें तो जहां पर हमको फिंगरप्रिंट्स के निशान दिखाई देते हैं इस फोन के अंदर हमको दिखाई नहीं देगी, जिसकी वजह से हम इसको फिंगर प्रिंट रेजिस्टेंट बोलते हैं। सो कुछ इस तरह से इसका बैक साइड का फील मिलेगा। ये टोटली 3 कलर्स में ये फोन आएगा, जहाँ पर इसके अंदर आपको मिलेगा मेटेलिक व्हाइट, इसके अंदर आपको मिलेगा एक मैजिक ब्लू और साथ ही इसमें इसके साथ में और एक कलर है इसका मैट ब्लैक। इस फोन के लाइट वेट और थिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो ये फोन बहुत ही लाइट वेट है। मैं इसके अगर वेट की बात करूँ तो ये फोन सिर्फ 164 ग्राम है। मैं अगर थिकनेस की बात करूँ इस फोन के तो ये सिर्फ और सिर्फ 7.48 mm का थिकनेस है। ये बहुत ज़्यादा स्लिक है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, जिसकी वजह से होता क्या है मैं ज़्यादा देर फोन को अगर होल्ड भी करूँगा या फिर ज़्यादा देर अगर फोन को हाथ में भी रखूँगा तो मेरे हाथों को कोई भी तकलीफ नहीं या फिर पेन नहीं महसूस होगा। मैं ज़्यादा देर इसके अंदर वीडियोज देख सकता हूँ, ज़्यादा देर इसके अंदर गेमिंग खेल सकता हूँ। बिकॉज क्यों? बिकॉज ये फोन बहुत लाइट वेट है और बहुत ज्यादा स्लिक है। सो ये है अपीरियंस का पार्ट इसका। और 2 मेगापिक्सल हेल्प करेगा मुझे हार्डवेयर लेवल पे बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ में अगर मैं नाइट फोटोग्राफी की बात करूँ तो फ्रंट साइड में मुझे मिलता है AI सुपर नाइट पोर्ट्रेट मोड जो कि लो लाइट कंडीशन में मुझे अच्छे से अच्छे फोटोग्राफी करने को हेल्प कर सकता हूँ AI सुपर नाइट पोर्ट्रेट मोड का। बात करेंगे इसके रियर कैमरा की, रियर कैमरा के अंदर मुझे ऐसा क्वाड सेटअप मिलता है। क्वाड सेटअप के अंदर 8 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल मुझे बोके इफेक्ट प्रोवाइड देता ही देता है एज वेल एज मुझे वाइड एंगल के फोटोज अगर कैप्चर करें तो हेल्प 8 मेगापिक्सल का हेल्प ले सकता हूँ। 48 मेगापिक्सल का हेल्प में अप टू 108 मेगापिक्सल तक ले सकता हूँ। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का डिटेलिंग अगर कैप्चर करना है तो मैं अप टू 108 मेगापिक्सल का यूज कर सकता हूँ। 2 और 2 मेगापिक्सल जो कैमरा है जिसके अंदर ओप्पो ने एक्सक्लूसिव जो फिल्टर्स उनके दिए हुए उनका यूजेस मैं 2 मेगापिक्सल से कर सकता हूँ। बात करेंगे इनके कुछ नए और यूनिक फीचर्स के बारे में, जैसे कि इस कैमरे के अंदर आपको मिलेगा AI कलर पोर्ट्रेट मोड जिसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव रहता है उस ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करना है, यानी उसको कलरफुल रख के उसका जो बैकग्राउंड होता है ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट रख सकते हो। मीन्स वो फोटो अगर आप कभी देखोगे तो वो आपका ऑब्जेक्टिव वो हाईलाइटेड रहेगा और बैकग्राउंड ये पूरा आपका ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। बात करेंगे इसके हम नाइट फ्लेयर मोड की, जिसे हम सिनेमैटिक फोटोग्राफी भी बोल सकते हैं। अगर रात में अगर किसी सीनरी के किसी ऑब्जेक्ट का मुझे फोटोग्राफी करना है सो रात में क्या होता है बहुत ज़्यादा लाइट्स होती हैं जो कि हमारे फोटो ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में होती हैं जो कि बहुत एक्सपोज होती हैं हमारे फोटोज के ऊपर। सो AI नाइट फ्लेयर मोड क्या करता है उस लाइट को
फ्लेयर पे जैसे कि सिनेमैटिक फोटोज होते हैं उस तरह से हमको ये फोटो अवेलेबल यानी प्रोवाइड कर देता है हमारे स्क्रीन के ऊपर। सो एयर नाइट फ्लेयर मोड जो है ये हमको सिनेमैटिक फोटोज एक्सपीरियंस करवा के देता है इस कैमरा के थ्रू। सो कुछ इस तरह से इसका कैमरा सेटअप रहेगा जैसे फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा, जो कि कैमरा एक्सपीरियंस बहुत ऑसम है, बहुत अच्छा है और हमको कैमरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से करवा के देता है। अब हम देखते हैं इसके पावरफुल परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे इसके ह्यूज बैटरी के साथ में। सो इसके अंदर हमको मिलता है ह्यूज बैटरी 4000 एमएएच का बिगर बैटरी मिलता है जो कि वुक 4.0 30 वाट चार्जर के साथ आता है। बात करेंगे इसके टॉक टाइम की तो हम इस फोन को अगर मैं 5 मिनट भी चार्ज करूंगा तो इसके साथ में 4 घंटे तक बातें कर सकता हूं। इस फोन के बैटरी के चार्जिंग के बारे में बात करेंगे। अगर ये फोन मुझे 100% चार्ज करना है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 53 मिनट्स ये फोन चार्जिंग को रखना पड़ेगा। सो ये मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चार्ज करके देता है यानी बहुत फास्टली चार्ज करके देता है ये फोन। इसके अंदर आपको मिलता है एक सुपर पावर के लिए, सुपर परफॉर्मेंस के लिए हमको P95 का प्रोसेसर जो कि एंटी लैग एल्गोरिथम के साथ आता है, जिसका बेनिफिट ये है हम हाई ग्राफिक्स के वीडियोस एज वेल एज हाई ग्राफिक्स के गेम्स लाइक पबजी आसानी से और इजी वे से हम प्ले कर सकते हैं हमारे फोन के अंदर। साथ में 8GB का ह्यूज रैम आता है जो कि हमको मल्टीपल एप्लीकेशन डजन्स ऑफ एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली यूज करने के लिए प्रोवाइड है। अगेन इसके साथ में हमको 128GB का ह्यूज रोम मिलता है जहां पर हम हमारे मेमोरेबल फोटोज या फिर वीडियो आसानी से स्टोर कर सकते हैं हमारे फोन के अंदर। इसके साथ में हमको एंड्रॉइड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है एंड्रॉइड 10, साथ में ओप्पो का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कलर ओएस 7.2 मिलता है जिसके अंदर हमको नए और यूनिक फीचर्स मिलते हैं जिसके अंदर सुपर पावर सेविंग मोड आता है जहां पर हम हमारा जो फोन का बैटरी अगर 5% बचा हुआ है हम हमारा फोन 17 आवर्स तक स्टैंड बाय मोड पे यूज कर सकते हैं विद सुपर पावर सेविंग मोड। अगेन इसके अंदर हमको मिलता है क्विक रिटर्न बबल जहां पर बहुत सारी ऐसी गेम्स होती है जहां पर उनको थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्ट होने के लिए, बट समटाइम्स क्या होता है हमारा जो नोटिफिकेशन होता है गेम के बैकग्राउंड पे चलता रहता है जहां पर हम रिप्लाई और नोटिफिकेशन को इम्पोर्टेंस दे नहीं पाते, बट इन अ क्विक रिटर्न बबल हम अब हमारे नोटिफिकेशन को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं और सेम टाइम पे हम वहां पे रिप्लाई और उनको रिवर्ट दे सकते हैं। अगेन हम बात करेंगे इस फोन के प्री बुकिंग के बारे में। सो इस फोन को आप प्री बुक भी कर सकते हो, आपके नजदीक स्टोर पे जाके आप इस फोन को प्री बुक कर सकते हो और इसका डेमो ले सकते हो। सो आई होप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और आप फोन के बारे में जानने के लिए जैसा मैं हूँ वैसा आप लोग भी फोन के बारे में जानने के लिए चाहते होंगे। सो आपको प्लीज आपके नियरेस्ट स्टोर पे जाइए, फोन का डेमो लीजिए और प्री बुक करिए। थैंक यू।